हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर और राधे श्याम और जो आचार्य मूवी तेलुगु मूवी आने वाली है, इन तीनों फिल्म की जो अनाउंसमेंट हुई है रिलीजिंग डेट की, उनके ही बारे में पूरी अपडेट के लिए मैं लाया हूं इस वीडियो को। तो सबसे मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। सब्सक्राइब की काफी ज्यादा और आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है मुझे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा अगर आप नए होंगे मेरे चैनल पर। तो अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो बात करें भाई ट्रिपल आर वालों से ना, तो ये तो खेल ही गए, बॉलीवुड से, सिनेमा से, ऑडियंस से, सबसे खेल गए। सबसे पहले उन्होंने जो रिलीज डेट जारी किया था कि हम 18 मार्च या तो फिर 28 अप्रैल को इस दिन रिलीज करेंगे इस मूवी को। उसके बाद उन लोगों ने क्या सोचा कि हम तो कुछ नया करेंगे ही, मतलब कुछ तो ऑडियंस को नया देना चाहिए ना। उन्होंने अब जब ऑफिशियल रिलीज डेट निकाल के दी है, वो दी है 25 मार्च को, मतलब 25 मार्च को वो फिल्म आने वाली है हमारे बिग स्क्रीन पर, जो हिट करने वाली है हमारे डायरेक्ट दिल को। भाई आरआर फिल्म ना काफ़ी वाइब्स के साथ में जुड़ी हुई है, काफ़ी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है मेरे, क्योंकि ये फिल्म ना काफ़ी बेहतरीन लग रही थी जो इसकी ट्रेलर आई थी उस पर भी। तो भाई अब कुछ भी हो, फिल्म तो हम लोग देखने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद बात करें राधे श्याम सर की, तो उन्होंने क्या सोचा, जैसे अनाउंसमेंट अभी हुई है ट्रिपल आर की 25 मार्च को होने वाली है, ऑफिशियल तो अभी तक नहीं आई है, मगर मैं बता दूं कंफर्म है ये फिल्म भी 11 मार्च को हिट करने वाली है बिग स्क्रीन को। उन्होंने पहले फिल्म मेकर्स ने सोचा उनके अनाउंसमेंट के बाद कि हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं पीछे में, इससे क्या होगा हमारी फिल्म की जो मार्केटिंग है और जो मतलब कि रन टाइम है वो अच्छी हो जाएगी जो सिनेमा में होने वाली है। इसीलिए उन्होंने 11 मार्च को फिल्म रिलीज करने का निर्णय लिया है। तो अभी 11 मार्च से 25 मार्च तक 15 दिन के अराउंड जो है उन्हें गैप मिल जाता है इन दोनों में। उसके बाद करें आचार्य मूवी की, तो आचार्य मूवी अगर बात करूं मैं इस मूवी की, तो सबसे पहले ये मूवी तेलुगु में रिलीज होने वाली है, तो नॉर्थ इंडिया को उतनी मतलब नहीं है, क्योंकि चिरंजीवी सर के स्टारडम को सभी को पता है कि कोई भी फिल्म लगे उनकी फिल्म देखने को तो वो लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो आचार्य मूवी है वो 29 मार्च को अब रिलीज होने वाली, सॉरी 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, अप्रैल को मैंने मार्च बोल दिया था, तो 29 अप्रैल को आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी फिल्म। और जो दोनों बड़े फिल्म है राधे श्याम और ट्रिपल आर, ये हमें मार्च में देखने को मिल जाएगा, तो भाई बवाल होने वाला है ठीक है थिएटर्स पर, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और देखते हैं हमारे जो भी आने के लिए जो अपडेट आते हैं मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय।